गुड मॉर्निंग, आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे पॉक्सो एक्ट के बारे में। इसको आप एक और तरह से जान सकते हैं कि धारा 376 यानी आईपीसी का सेक्शन 376 यानी रेप, ये ए से लेकर डी तक है। आप 376 डी की बात करें तो ये गैंगरेप की बात करता है। तो इनके बारे में एक ऐसा चीज़ जानेंगे, अगर आपको पॉक्सो एक्ट लग गया है तो पॉक्सो एक्ट में जमानत मिलती क्या है, जमानत मिलने की प्रक्रिया क्या है, और ये पॉक्सो एक्ट इंटेंशन से संबंधित होता है या फिर क्या होता है, इन सभी बातों को एक छोटे से क्लिप के माध्यम से हम जानेंगे। और निश्चित रूप से ये ज्ञान सबको होना चाहिए, क्योंकि जीवन है, कब क्या होगा, किसने जाना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से आपको कानून का हम जानकार बनाएंगे, और जो आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड जो भी इंटेंट या कंटेंट आपके पास पहुंचेगा वो बहुत ही उपयोगी होगा, जो आपके जीवन के हर पल काम आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी साधना है, ऐसा मेरा अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बता दूं, पॉक्सो को क्लेरिफाई करूं। तो पॉक्सो क्या है कि लड़की अगर अंडर एज है यानी 18 से लो है यानी 18 वर्ष उनका उम्र नहीं हुआ है, लड़का बालिग है और उन दोनों के बीच जो है फिजिकल रिलेशन होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पॉक्सो एक्ट लगता है। पॉक्सो एक्ट का इंटेंशन सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, किसी के ऊपर एफआईआर होता है या फिर वो जेल चला जाता है तो वो दोषी नहीं होता है। दोष जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक वो आदमी दोषी नहीं होगा, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। एफआईआर होने से कोई आदमी दागी हो जाता है ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। दूसरी बात है कि अपराध की परिभाषा को जब आप समझेंगे, अपराध की परिभाषा का सबसे मुख्य स्रोत और जो कंटेंट कह सकते हैं वो होता है इंटेंशन। जो अपराधी है यानी जिसको बनाया गया है अपराधी, पीड़ित पक्ष द्वारा जिस पर कंप्लेन किया जाता है, तो वो जो है जब किसी के बारे में कंप्लेन करता है तो वहाँ इस चीज़ को देखना जरूरी होता है कि उसका इंटेंशन क्या था, यानी उसका उद्देश्य क्या था, ऐसे अपराध करने का उद्देश्य क्या था। तो पॉक्सो एक्ट में मुख्य रूप से जो भूमिका होती है वो लड़की के बयान का होता है। लड़की के बयान से ही पता चलता है कि आपका जो है जमानत होना है या फिर नहीं होना है। नहीं होना है तो उसका अगला विकल्प क्या होगा, ये अगला चीज हो गया। लेकिन लड़की के जमानत को प्रमुखतया यानी फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में रखा जाता है। लड़की जो बयान देगी उसके अकॉर्डिंग ये तय होगा कि इसको जमानत मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। ये लोअर कोर्ट के ट्रायल का मामला है, जब हाईकोर्ट जाएगी तो ये बात अलग हो गई। दूसरी बात है, कभी कभी क्या होता है कि बिना काम का जो है किसी को फंसाने के उद्देश्य से उस पर पॉक्सो लगा दिया जाता है। तो पॉक्सो से बचने का तरीका, अगर छोटे से मतलब अगर टॉपिक में मैं कहूँ तो एक ये हो सकता है कि एफआईआर लेट से हुआ हो, दूसरा है कि मेडिकल जो है ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ हो या मेडिकल टेस्ट करवाने से लड़की मना कर रही हो, तीसरा बात ये भी हो सकता है कि आपका उसके फैमिली से पहले से कोई गलत रिलेशन रहा हो या फिर मारपीट हुआ हो या फिर पहले से केस चल रहा हो। ऐसी स्थिति को का अभी एविडेंस अगर आप अपने आप में कलेक्ट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये आपको काम आएगा। दूसरी बात है कि दोनों की सहमति से फिजिकल रिलेशन बनाओ। मान लीजिए कि उसका एज जो है 18 नहीं था लेकिन 18 के लगभग में था या बॉर्डर लाइन पे था या थोड़ा सा कम था और दोनों की सहमति से हुआ, और बाद में वो कहती है कि नहीं, मेरे सहमति से नहीं हुआ, मेरे साथ जबरदस्ती किया गया, ऐसा भी संभव है। दोस्तों, सबसे पहली बात है, इस तरह की घटना जब भी घटती है तो क्या होता है, समाज में एक प्रतिष्ठा का हनन होता है, दोनों पक्ष का प्रतिष्ठा का हनन होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, लड़की लोग क्या करती है, मेडिकल टेस्ट करवाने से बचना चाहती है, अगर मामला झूठा हो तो। ठीक है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है कि अगर वो मेडिकल टेस्ट करवाने से बचना चाहती है तो आप इस पॉइंट को रख सकते हैं। अगर सहमति से फिजिकल रिलेशन बनाया गया हो तो इस बात को भी आप कोर्ट को अवगत निश्चित रूप से करा सकते हैं। अगर बना हो तो आप उसे इनकार भी नहीं कर सकते हैं। सहमति से बना हो तो आप डायरेक्ट एक्सेप्ट इस बात को कर सकते हैं कि सहमति से फिजिकल रिलेशन बनाया गया। अगर असहमति से बनाया गया तो फिर उसका विकल्प अलग है। तो सबसे पहली बात है, आप जो कुछ अपराध करते हैं अपने वकील साहब को आप कम से कम सही बताएंगे तो फिर वो बचने का मार्ग आपका प्रशस्त करेंगे। तो आप सबसे पहले ये समझ गए पॉक्सो होता क्या है कि लड़की अगर अंडर एज है और लड़का बालिग है, ऐसी स्थिति में संबंध बनता है और उस पर कंप्लेंट किया जाता है तो इसमें पॉक्सो लगता है।
अब है कि उसका इंटेंशन क्या था, रेप करने का इंटेंस क्या था। अगर एक से दो आदमी हो गया रेप करने में, तो उसमें जो है गैंग रेप उसको कहा जाएगा और उस पर 376D का जो है धारा ये लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात है बचने का, बेल जो मिलता है जमानत, ये टॉपिक है जमानत से संबंधित। तो जमानत की सबसे पहली प्रक्रिया यही है कि लड़की का बयान क्या है, लड़की के बयान से जो कंक्लूजन निकलेगा उसके अकॉर्डिंग ये निर्णय होगा कि जमानत आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर मिलते हैं इसी टॉपिक पे अगला वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छा जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए, धन्यवाद।